पर्सनल प्रोनाउंस रेफर टू थ्री पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एंड दीज प्रोनाउंस हैव टू नंबर्स, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस इन सिंगुलर नंबर आर आई मी, प्लूरल वी अस. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इन सिंगुलर यू, इन प्लूरल अगेन यू. सेम प्रोनाउन इज यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर. थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ही, हिम, शी, हर, इट. थर्ड पर्सन प्रोनाउंस इन प्लूरल फॉर्म दे, देम. प्रोनाउंस ऑफ थ्री पर्सन्स इन सिंगुलर फॉर्म आर यूज्ड एंड आर यूज्ड एंड प्लेस्ड फॉर वन नाउन. एंड प्रोनाउंस ऑफ थ्री पर्सन्स इन प्लूरल फॉर्म आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोर देन वन नाउन और फॉर मल्टीपल नाउन्स. नाउ दीज प्रोनाउंस हैव जेंडर्स. आई मी, वी अस, यू यू कम इन द कैटेगरी ऑफ कॉमन जेंडर एंड दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. नाउ प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन ही, हिम यूज्ड फॉर मेल, शी, हर यूज्ड फॉर फीमेल, इट, इट इज अ न्यूट्रल जेंडर यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग एंड फॉर एन एनिमल. प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन इन प्लूरल फॉर्म दे, देम. दे, देम आर यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल एंड दीज प्रोनाउंस आर ऑल्सो यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स. Now children, I am going to read these sentences. In these sentences, I have used personal pronouns. I am happy. I is your pronoun. We are reading books. We is a pronoun. You are my best friend. You. Rohit gave us some flowers. Here, us is your pronoun. They are in the library. They. Rohit saw him in the market. Him. Neeta gave her a beautiful dress. Her. He writes very well. He. She is studying. She. It rained. It. So these personal pronouns are used in place of nouns.